सो गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो, कैसे हैं सब लोग? सुबह हो चुकी है और मैं आज 7 बजे उठ गई थी, जल्दी उठ गई, 6 बजे उठ गई थी मैं आज, 6 बजे ही उठ गई थी। अब ऑफिस जाते हैं ना तो वही रूटीन बच जाता है, नींद अब तो आप खुल जाती है, फिर अगर आपका मन करे ना फिर थोड़ा और सोने की कोशिश करते तो थोड़ा सा नींद आती है, उसके बाद फिर से आप उठ जाते हो। बट आज कुछ सोने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी योगा क्लास थी 5:30 to 6:30, और 5:30 तो मेरा अलार्म बजा नहीं, तो मैं 6:30 मतलब 6 बजे उठी हूँ, तो 6 से 6:30 थोड़ा बहुत मैंने देखा योगा, और मैंने खुद से योगा किया आज क्योंकि मेरा 5:30 से मिस हो गया था, तो जो कल योगा की वही मैंने आज कर ली जो आधा घंटा मेरा मिस हुआ था। और ये देखो मेरी मेहंदी, मेहंदी का रंग आ गया, ये मेरी हरी हरी चूड़ियाँ, ये जो आगे वाली चूड़ियाँ नितिन लाया था और पीछे वाली मैं खुद के लिए, ये देखो। मैं आपको सूट भी दिखाऊंगी जो नितिन लेके आया, बट उसको हमें चेंज कराना है, तो मैं सोच रही हूँ जो चेंज करा के ही जो फाइनल सूट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा, बाहर मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, बाहर बहुत अच्छा मौसम है, सूर्य देवता निकले हुए हैं और कुका पता नहीं कहाँ है, कुका बाहर ही थी, कुका आई डोंट नो वो कहाँ घूमती। अच्छा ये रही, इस कोने में बैठ के वो बाहर देख रही है, या पता नहीं कुछ खा रही है, वो बाहर भी देखती रहती है यहाँ से ना बाहर, वो बच्चे उधर ग्राउंड में, देखो मैं आपको दिखाती हूँ ग्राउंड में बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे क्योंकि पेड़ इतने ज़्यादा तो नज़र नहीं आ रहे, बट उस ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं आई थिंक। ये देखो, ये देखो, ये नज़र आ गया एक इंसान बैटिंग करते हुए अभी, या फिर मेल भी हो सकता है, खुंदक भी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है। तो ये चल रहा है सुबह सुबह बाहर नीचे, और सामने ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं बैट बॉल, दिख नहीं रहे हैं बट आई डोंट नो आपको आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं क्योंकि पेड़ इतने ज़्यादा है ना तो दिख नहीं रहा है ग्राउंड में क्या चल रहा है। ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, दोनों डॉगीज के आपस में मिलना नहीं, झगड़ा हो गया दोनों का, झगड़ा हो गया। और कुका इतनी छोटी सी है ना, गली में इतने बड़े बड़े डॉगीज हैं, हमें डर लगता है, मुझे तो स्पेशली अकेले उसको ले जाने में डर लगता है क्योंकि उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि अपने इलाके में कुत्ते पसंद नहीं करते ना दूसरा डॉग। बट हमारे बच्चे को हम बचा के रखेंगे, है ना कुकू, है ना कुकू, किसी की इतनी हिम्मत, कोई आपको कुछ कह दे, है ना कुकू, है ना कुकू। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया धूप है और अब देखो धूप चली गई, यहाँ का मौसम ऐसे ही है धूप। हेलो गाइस, तो मैं आज हाइड्रा फेशियल करवा रही हूँ, जिम से आ गई हूँ मैं, और जिम करके आ गई हूँ, नहा धो रही हूँ और अब मैं हाइड्रा फेशियल करवाने जा रही हूँ, देखते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट आता है हाइड्रा फेशियल का। और ये है दीपिका, दीपिका हाय। तो ये मेरा हाइड्रा फेशियल करने वाले स्किन जी से मैं हाइड्रा फेशियल करवा रही हूँ और घर पे ही होम सर्विसेज ले रही हूँ, तो इनसे मैंने लेज़र ट्रीटमेंट भी करवाया था तो मुझे इनका लेज़र ट्रीटमेंट काफ़ी बढ़िया लगा, और कुका इनको काफ़ी परेशान कर रही है तो फाइनली मैं इसको फिर से अंदर ही छोड़ रही हूँ कुका को क्योंकि ये बहुत परेशान करती है कोई भी घर पे आता है। तो अब देखते हैं हाइड्रा फेशियल के बाद क्या रिजल्ट रहता है। तो गाइस, मेरा हाइड्रा फेशियल कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा स्किन ग्लो कर रहा है और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो इतने टाइम से जो स्किन डल डल लग रहा था अब लाइक अब बेटर लग रहा है, तो ऑल थैंक्स टू दीपिका, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अपना स्किन ना, अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, तो शाम के बज रहे हैं 8 और हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, कुछ नहीं दो फ्रेंड्स आ रहे हैं, बहुत ख़ास फ्रेंड्स हैं हमारे, तो वो आ रहे हैं हमारे घर पे, हमने उनको इनवाइट किया है,
और जब आएंगे मैं आपसे आपको उनसे मिलवाऊंगी। और वही सुबह में आपने देखा होगा मैंने हाइड्रा फेशियल कराया और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। उसके बाद अभी हम थोड़ी देर के लिए मार्केट जाके आए क्योंकि नितिन ने जो मेरे लिए पीछे लिए सूट लिया था वो मुझे मतलब उतना मतलब अच्छा सूट था बट मुझे थोड़ा डिफरेंट सूट लेना था तो वो चेंज करवा के आए। और जस्ट अभी हम घर आए हैं और अब हम उनका वेट कर रहे हैं जो हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। और हमारी कुका को देखो, उसकी बदमाशियाँ देखो, ये देखो कुका, कुका व्हाट इज दिस, व्हाट, ये ना पता क्या करती है, कुछ सारा चीज़ें बेड पे ले आएगी, जूते चप्पल जो हम डस्टबिन में कुछ भी डालेंगे या कुछ भी, मतलब ये पागल लड़की है, ये शैतान है, बहुत ज़्यादा बहुत तंग करती है हमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी भी देख लो ये बॉटल ये डस्टबिन से ही उठा के लेके आई हुई है, सोफे भी उठा के लेके आई है। मैं जितनी भी सफाइयाँ कर लूँ ना घर में सफाई नहीं रहने वाली इसकी वजह से, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, देख लो इसको आप, क्या करूँ मैं इस लड़की का, करूँ तो करूँ क्या, मैं बताए दो आप। और गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये लोग क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो ये लोग केक लेके आए हैं सेलिब्रेशन के लिए, तो थैंक यू दिनेश, थैंक यू प्राची। आप कुछ कहना चाहोगे हमारे लिए, मतलब मेरे लिए? कांग्रेचुलेशंस और कुछ? और बहुत अच्छी वीडियोस बना रही है, लव यू, कीप गोइंग। और थोड़ा नितिन को बोलो कि पार्टिसिपेट करे मेरे ब्लॉग्स में कुछ। मुझे बता सकते हो कि किसकी वजह से सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो जब हम केक कटिंग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी के लिए बाय। तो गाइज अब हम, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए केक लेके आए हैं क्योंकि मेरे 1K हो गया है सब्सक्राइबर्स, तो अब हम केक कटिंग करने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ केक कैसा दिख रहा है। देख लो आप केक, कितना क्यूट केक है जो लेके आए हैं। थैंक यू नीलेश, थैंक यू प्राची, थैंक यू सो मच। अरे यार वो डालना चाहिए। हाँ चलो ओके, तो क्या ब्लो करो, ब्लो करो उसको। हैप्पी 1000 सब्सक्राइबर। थैंक यू नीलेश, एक मिनट। थैंक यू प्राची, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस लवनीत ऑन 1000 सब्सक्राइबर्स। अभी 10K पे तुम जो भी आने वाला है, थैंक यू डेफिनेटली। अरे भाई कुकर है भाई यार, उसको चॉकलेट वो खाएगी, वो मत खिला, ले बस इतना काफी है, वो चॉक खा जा और लो। अच्छा बहुत अच्छा नीलेश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी हम बाहर आए हैं चारों और भूख लग रही थी हम चारों को, तो अभी हम बाहर आए कुछ खाने। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का कि रात भर तो नहीं, मतलब 2-3 घंटे खुला रहता है। और अब हमने डोसा ऑर्डर किया है, मैंगो शेक ऑर्डर किया है, लाइम सोडा ऑर्डर किया है और भी कुछ ऑर्डर किया है बट मुझे याद नहीं आ रहा है। कितने बजे? और रात के बजे कितने? 11 बजे, हम 11 बजे आए हैं यहाँ पे खाने। तो मैं दिखाती हूँ जब खाना आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको अपडेट करती हूँ। तो प्राची और मैं यहाँ पे और मतलब बैठने की जगह नहीं है, तो प्राची और मैं देख रहे हैं कि कौन किसका खाना सबसे पहले ख़त्म होने वाला है, तो उस टेबल पर हमारी नज़र है और हम फटाफट जाके वहाँ पर बैठ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे देख लो सारे टेबल ऑक्यूपाइड है, सारे टेबल। हम आए हैं, मैं नाम ही भूल रही हूँ, तुमको पता है क्या नाम? अमुधाम कोरमंगला। हाँ तो जो लोग अमुधाम कोर मतलब अमुधाम कोरमंगला जो कोरमंगला में रहते हैं वो अमुधाम में आके यहाँ आके राइस ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इनके पास डिफरेंट वेराइटी के राइस होते हैं, बहुत यमी होते हैं, तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। तो हमने लिया है मैंगो जिंजर राइस,
तो मैं दिखाती हूँ जब मैंगो जिंजर राइस आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। तो प्राची तुम बताओ कि कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है ब्लॉगिंग में। ओके तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आमोदा वहाँ कैसा लग रहा है? आमोदा तो गाइस हमें जगह मिल रही है बैठने के लिए, और ऊपर हमारे ऊपर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे अब गानों की आवाज़ आ ही रही होगी। तो यहाँ पे मतलब ऊपर सब लोग खाना पीना करते हैं और गाना गाते हैं, जिनको गाने का शौक है तो वो गाना गाते हैं। आपको आवाज़ आई भी होगी, रेंडमली कोई भी जाके वहाँ पे गाना गा सकता है अगर किसी का मन है तो बेसिकली ऊपर ही है। तो अब जस्ट हम वेट कर रहे हैं अपने खाने का, कब आ गया हमारा खाना, तो आपको दिखाते हैं। मैं आपको दिखाते हैं यहाँ का लोग कैसा है ये रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमारी इडली आ चुकी है और प्राची ने शुरू कर दिया है। आई थिंक ये मेरा मैंगो आइसक्रीम शेक है, और ये लाइम सोडा है। बहुत अच्छा है सीरियसली। ओके और ये नितिन आ रहा है अपना डोसा लेते हुए। मेरे बेटी ले रही है क्या? हाँ और नहीं तो क्या। हाँ ऑब्वियसली सब लोग फेमस होने वाले हैं, बट मेरे राइस नहीं आया बट ये वाला डोसा खा के देखो राइस। तो नितिन कुमार कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? यहाँ के रात के 11 बजे लग रहा है, किससे अच्छा है ये रामेश्वरम से? तो अच्छा है रामेश्वरम में डोसा खाने के बाद। हाँ रामेश्वरम इज वेरी ओवर रेटेड, एंड मतलब वहाँ पे घी में मतलब इतना ज़्यादा घी होता है कि वो जो मेन डोसा है या उसका टेस्ट वो चले जाता है। उससे अच्छा तो ये है कि एटलीस्ट थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट्स में हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो बेसिकली वहाँ पे वो इतना घी डाल देते हैं, इतना घी डाल देते हैं कि फिर वो डोसा डोसा लगता ही नहीं है, वो घी लगता है एक्चुअल में। तो यहाँ का बेसिकली डोसा ऐसा होता है, और ये हमारे डोसा खाते हुए और अभी तक मेरे राइस नहीं आया, मैं वेट कर रही हूँ। बट मेरा मैंगो आइसक्रीम शेक आ चुका है, तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंगो जिंजर राइस या हो गया क्या? नहीं हुआ क्या? और मैं सोचती हूँ लोग कैसे लाइन लगा के बैठे रहते हैं, सिर्फ वही डोसा। वापस आते ना देवेश के घर से तो रास्ते में पड़ता है, इतनी भीड़ होती है कभी भी बाहर लोग लाइन लगा के खड़े हैं, क्यों पता नहीं। गाइस हम घर वापस आ चुके हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हम लोगों की बातें ख़त्म नहीं होने वाली है। तो कितना ही आप देखोगे हम लोगों को, है ना? तो जितना देख सकते हो उतना ही मैं ब्लॉग डालूंगी, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। ओके बाय।